हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, ये जो आज मैं रियल स्टेट का एक केस स्टडी बता रहा हूँ, ये पिछले दिनों हमारे पास ये एक ज़मीन बिकने आई, चुनी कस्बा है एक सरहंद के, अपने सरहंद और इसके बीच में, मोहाली के बीच में, और चुनी में ये बीच बाजार में ये प्लॉट पड़ा है। 90 फीट इसको इस तरफ है और 160 फीट इस तरफ है। ये देखने में बहुत अच्छी डील लग रही है और इसको थोड़ा डेवलप करा जाए तो बहुत अच्छी बन भी सकती है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि दो दुकानें इन्होंने बेच रखी हैं पहले, वो भी सेंटर में, जिसकी नींव भरी हुई है। और नींव भरने के बाद जो जिस आदमी ने अभी ये प्रॉपर्टी ली है, वो आदमी का ये मानना है कि इनको, इन लोगों को दुकानें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुकान कभी भी रोड में आ जाए, आके डिमोलिश हो सकती है। तो दोस्तों, जब डिमोलिश होगी तब होगी। यदि हम डिमोलिश वाले होने वाली बात है, यदि हम पक्का आरसीसी लेंटर उसमें डालें या कोई और पक्की तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन करें, निर्माण करें, तब तो उसको डिमोलिशन होने की डर है। यदि हमने यहाँ पर कोई रेडी, कोई फड़ी लगा लें, कोई अपना छोटा मोटा टीन की मतलब चादर डाल के इसमें कोई छोटी मोटी दुकान शुरू कर लेते हैं, तो हमें कौन रोक लेगा? कब्जा हमारे पास है, रजिस्ट्री हमारे पास है और सब कुछ हमारे पास है। यदि हम यहाँ पर बैठ के कुछ, कोई आदमी इसको किराए पे भी दे देता है, जो जो भी इसका मालिक है, किराए पे दे दे, मीट मच्छी वाले को दे दे, किसी को सूर काटने वाले को दे दे, तो ये पीछे वाली मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है, आप समझ सकते हो। मतलब इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो कि लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मैं 28 साल से इस लाइन में हूँ और बहुत ज़्यादा ऐसे ऊंच नीच देखे हैं, ऐसी मतलब एग्जांपल्स आई हैं ज़िंदगी में, जिन्होंने ये सारी की सारी प्रॉपर्टी की ऐसी तैसी कर दी है। सो ये जब तक दुकानें नहीं बिकती, ये दुकानें ये बंदा वापस नहीं लेता, तब तक ये मार्केट जो है रिस्क में रहेगी, क्योंकि जिसके पास ये दुकान है, हम उसको मना नहीं कर सकते कि वो इस चीज़ की दुकान यहाँ खोले या ना खोले। कोई मीट शॉप वाला आ जाए, कोई मछली वाला आ जाए, कोई और आ जाए, तो उसको हम कैसे मना करते हैं? और ये जो पीछे करोड़ों रुपए के शोरूम है, इनकी सारी की ऐसी तैसी हो जाएगी। सो इस चीज़ से बचना है। मैंने, मेरे साथ बात चल रही है और मैं, ये आदमी जो इटली में बैठा है, जो जिसकी दुकानें हैं, उसके साथ मेरी बात चल रही है, उसके साथ मेरी बात फाइनल होने के बाद हम इस डील को फाइनल करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने भी इस तरीके का ख्याल रखना है। यदि कोई आपको मतलब बातों में लेके ऐसी कोई बात करना चाहता है जिससे आपका कल को आने वाले टाइम में नुकसान हो जाए, या जो नुकसान आपको दिख नहीं रहा, या जैसे ये बहुत डेड श्योर है कि ये तो रोड में आई जानी है, तो इस तरीके तक जब आप उसको गहराई से नहीं देखोगे, तब तक आप इस प्रॉपर्टी में से अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। महंगी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, यदि यह फंस गया बीच में तो करोड़ों रुपए फंसने के चांसेस हो सकते हैं। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ये केस स्टडी का मतलब यही है कि जो भी आपकी स्टडी करते करते, किसी भी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो, उसकी स्टडी करते करते, उसका अध्ययन करते करते कोई भी बात आपके ध्यान में आ जाए, तो उसको मतलब हमने आंखों से दूर नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से देखना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, ताकि हमें कल को आने वाले टाइम में उसकी प्रॉब्लम ना आए। आज तो हमारे पास ऑप्शन है, हम ये प्रॉपर्टी लें या ना लें। यदि कल को हम ले कर इसकी रजिस्ट्री करा लें, जो करोड़ों रुपए की है, और कल को ये बंदा जाग जाए, और ये बंदा हमारे पास कोई कुछ भी कर सकता है, कोर्ट केस भी कर सकता है, स्टे भी ले सकता है, या अपनी जैसी जिस तरीके का इसका दिल करे उस तरीके की ये वहाँ पर दुकान भी कर सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए मैंने ये केस स्टडी, मैंने जो मेरे दिमाग में अभी आया था पिछले हफ्ते ये आया था, तो मेरा मन था कि आपके साथ ये बात करूं। सो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी आपके पास आती है तो आपने इस प्रॉपर्टी के लालच में आके फंस नहीं जाना, ये भी चीज़ निकालनी है साथ में। यदि ये चीज़ निकल गई तो फिर ये प्रॉपर्टी डायमंड की हो सकती है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी पीतल की है। सो आपने देखना है कि हमने किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके प्रॉपर्टी बेचनी है, तैयार करनी है और डेवलप करनी है। सो दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। ये वीडियो अच्छी लगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मिलता हूँ जल्दी, आप अपना ध्यान रखें। नए टॉपिक के साथ मैं
अगले हफ्ते फिर आ रहा हूँ आपके सामने। हाँ दोस्तों, इस तरीके की केस स्टडी हमारी जो ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग चलती है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है, रिकॉर्डेड सेशन है हमारे, उनमें ये चीज़ ये आपको बहुत जल्दी मिले, बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। और आप इस ट्रेनिंग से आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो सकती है, आप फ्रॉड से बच सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो, जैसे हज़ारों लोग कमा रहे हैं और कमा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।